उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गठित महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंकों में आने वाली समस्याओं को दूर करने और रोजगार के अन्य अवसरों का सृजन करने हेतु जनपद बिजनौर में दिनांक 9 अगस्त 2018 को विकास भवन सभाकक्ष में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रोजेक्टर को बंद करें। नहीं नहीं, जो एसी अभी है। इस कार्यशाला में जनपद के मुख्य विकास अधिकारी डीडीएम नाबार्ड, एलडीएम पीएनबी, मंडल स्तरीय बैंक प्रमुख, निदेशक आरसीटी, उपायुक्त श्रम रोजगार, उपायुक्त सप्त रोजगार एवं कृषि अधिकारी आदि उपस्थित रहे। जो गाय के बारे में पूरी दुनिया में जाने जाते, अगर आप सब लोग तैयार होंगे, लेकिन एक बड़ा ऑडियंस है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर एनआरएलएम जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा इस जनपद में जो समूह का गठन किया गया है, समूह के गठन से आई हुई हमारी जो महिलाएं दीदियां आई है, वह एक प्रार्थना गीत गाना चाहती है। ये प्रार्थना गीत एक संदेश है कि हम समूह का गठन किस तरह करते हैं और हम सारी बहनें इस जनपद में सारी समूह गठन के लिए कैसे प्रार्थना करके हम अपने जीवन को आर्थिक उन्नति के लिए कैसे ईश्वर से मदद मांगते हैं। इसी क्रम में मैं अपने दीदियों से अनुरोध करूंगा कि आप एक प्रार्थना गीत प्रस्तुत करें। जिला मिशन प्रबंधक श्री शैलेश कुमार यादव द्वारा आजीविका मिशन की प्रगति एवं योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। वही अमीर होगा जिसके पास मोटरसाइकिल अमीर है, मोटरसाइकिल है, अगर वो अमीर कमाना महिलाएं तय करती तो वही अमीर होगा। अभी तक आपने सरकारी आंकड़ों में देखा कैलोरी कमाना। कार्यक्रम में डीडीएम नाबार्ड ने अपनी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। योजनाओं चलाने के लिए और सबसे इसमें खासियत है, चूंकि ज्यादातर लोग हमारे किसान स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, छोटे छोटे किसान हैं, तो वो 25-50-100 भैंस लेना उनके लिए संभव नहीं है। और जब 25-50-100 भैंस की बात आती है तो कोलेटरल की बात, सिक्योरिटी की बात आ जाती है। इस योजना में अगर दो भैंस, जैसा हम लोगों ने किया है, जैसे एडीएम साहब के बड़े धन्यवाद देते हैं, सुमन जी का धन्यवाद देते हैं, हमारे 110 बेनिफिशियरी को हम लोग सेंसिलेटर दे रहे हैं, तो हम लोग ये रणनीति बनाई इसमें कि हम मार्जिन जो है 40,000 करोड़ से ले लें और लोन हम उसको एक बार है किसानों की आय को 2022 तक दबा करना, उसमें सरल हो गए। और जो लोग डेयरी पालन करना चाहते हैं, अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, उनकी इनकम वृद्धि में आप सहयोग करें, ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद। बहुत बहुत एलडीएम पीएनबी ने एसएचजी हेतु बैंकिंग समस्याओं के निराकरण के लिए बैंकों की शंकाओं को दूर किया। जनपद के दूर दूर से आए इस योजना के होने वाले लाभार्थी, स्वयं सहायता समूह की दीदियां और हमारे बैंकर साथी तथा वीडियो सामान, ईडीओ सामान, सभी का हम स्वागत करते हैं। तो निश्चित रूप से ये बड़ी ही कठिन कार्य है, 10 महिलाओं की समूह का गठन कराना, उनको आपस में जोड़े रखना। अगर ये दीदियां कर रही हैं तो इनकी हौसला के लिए हम सलाम करते हैं। आज के देश में 10 महिलाओं को एक साथ जोड़ करके मीटिंग कराना, उनके लिए रोजगार पूरक योजनाएं बनवाना, बैंक से तालमेल बिठवाना, खाता खुलवाना, उनको लोन दिलवाना, वाकई में ये बहुत ही काबिले तारीफ काम करती हैं। इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। तो जरूरी नहीं है कि आपका बैंक सेविंग खाता उसी बैंक में हो,
तो ये सब गाइडलाइन बनी हुई है आज की सहूलियत के लिए, आपके उत्थान के लिए, आज की गरीबी दूर करने के लिए, आज समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए। बैंकर हमेशा सहयोग किया है आपको और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि सारे बैंकर सहयोग करेंगे और हम अपने जनपद के विकास में चार चांद लगाएंगे। निदेशक आर सेठी ने भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कई व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाओं के बारे में बताया। पेपर का इनहेलर चल रहा है, हम सारे बहनों को अनुरोध करना चाहते हैं कि आप पेपर का इनहेलर बनाएं, ब्राउन पेपर का इनहेलर बनाएं, मैगजीन का इनहेलर बनाएं, और वो इतना बड़ा काम है, अच्छा काम है, पूरे 75 जिले में डिमांड है, आप इसकी हम प्रशिक्षण आपको दें। सर आप हमें ट्रेनिंग बना के दीजिए, ग्रुप बना के दीजिए महिलाओं का, और इस वर्ष के लिए 600 का मेरा टारगेट है पंजाब नेशनल बैंक आरसेटी का, हमने समर्पित है सर। हमारे सर्किल हेड सर ने कहा कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को ही ये 600 लोगों को महिला ट्रेनिंग जनपद में आप यही दे रहे होंगे और उनको रोजगार से जोड़ दें। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप इस तरह की ट्रेनिंग हमें दें, हम पूरा सहयोग करेंगे और इस रोजगार को बढ़ावा दें और बैंक इसको फाइनेंस करेगा, और हम उम्मीद करते हैं इस तरह के काम पूरे जनपद में बढ़े हुए काम 2000 महिला इस काम में लग सकती है और अपने रोजगार को बढ़ा के इस जनपद के आर्थिक उन्नति में सहयोग कर सकती है। जिलाधिकारी महोदय ने भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लेकर कई रोजगार परक योजनाओं पर जोर दिया। शादी हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व भी रखती है। कहा जाता है कि भारत जो है वो दुनिया का सबसे युवा देश, 18 से 35 साल के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीय, भारत की आबादी का लगभग 65% हिस्सा इस आयु वर्ग का। ये जो इतनी बड़ी शक्ति है हमारे पास युवा शक्ति, अगर इसके हाथ में रोजगार दे दिया जाए तो ये आबादी बोझ नहीं होगी बल्कि देश के राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में सक्षम होगी। और इन्हीं में अगर हम इन योजनाओं का लाभ ले सकें और सबको जोड़ सकें तो जो गांव में लोग रहते हैं तो उनको रोजगार मिलेगा, जो किसान भाई हैं जो पहले से खेती बाड़ी कर रहे हैं उनकी आय में वृद्धि होगी, अगर वो अपने मुख्य खेती बाड़ी के साथ पशुपालन जैसा व्यवसाय भी स्वीकार करते हैं अपनाते हैं। इन योजनाओं के बारे में जो आज चर्चा हुई है, मैं समझता हूँ कि आज जितने लाभार्थी थे इससे कई गुना लाभार्थी इसके लिए तैयार हो, और हम लोग बिजनौर को जिसको गन्ने के लिए चीनी के लिए जाना जाता है उसको हम लोग दुग्ध उत्पाद के लिए भी जाना चाहते हैं। कार्यक्रम में जनपद में चयनित बैंक सखियों को पुरस्कृत किया गया। श्रीमती ज्योति रानी, ज्योति रानी, श्रीमती राखी, श्रीमती कविता ठाकुर, श्रीमती कविता ठाकुर, पुष्पा रानी, मीनू देवी, स्नेहलता, श्रीमती विक्की रानी, श्रीमती वर्षा रानी, श्रीमती स्वाति देवी। एवं उन स्वयंसेवी संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने समूह गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये पूरी ध्यान और सहयोग से पूरे 100 समूह का इन्होंने गठन किया है, 100 नूरपुर और सिहोरा ब्लॉक में, और पूरा योगदान दिया है और इनको प्रदेश में भी इनको सराहा गया इस काम के लिए। धन्यवाद सर। जिन बैंक प्रबंधकों ने समूह गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन सभी बैंक प्रबंधकों को भी पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। जनपद के लक्ष्य में प्रगति मिली सर और प्रदेश में भी सराहा गया सर आपके इस पंजाब नेशनल बैंक के टांडा महिला के द्वारा। जोरदार ताली बजाकर सभी उपस्थित अतिथिगणों को भी मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया गया।
हमारे सीडीओ साहब को, मैं डीसी साहब से अनुरोध करूंगा सीडीओ साहब को आप संस्कृति चिन्ह देकर सम्मान करें। मैं डीसी साहब से अनुरोध करूंगा। अंत में उपायुक्त सप्तरोजगार ने सभी को धन्यवाद देकर कार्य का समापन किया। इस सब कार्यशाला को देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मंच पर उपस्थित एलडीएम साहब, मंच पर उपस्थित सीईओ साहब, डीडीएम नाबार साहब, सुमन जी, जो कि बड़े सक्रिय रूप से हम लोग को सहयोग दिया है, मंच पर आशीष जी क्यारो साहब और डीडी एग्रीकल्चर सर को, जो और मंच पर मेरे साथी डीसी नरेगा साहब को और दूर दराज की गांव पंचायत से पधारी मेरी सभी दीदियों को, बैंक सखियों को और सभी शाखा प्रबंधकों ने जिन्होंने इस कार्यशाला में भाग लिया और अपना अमूल्य समय यहाँ हम लोगों के बीच में व्यय किया। मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ से बातें सुनी हैं निश्चित रूप से आप लोग उन बातों को अमल करेंगे और जो यहाँ से कार्य योजना या योजना संचालित की जा रही है उसमें इस जनपद का और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।